दिवाली के खास मौके पर सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक टाइगर 3 का आगाज होता है, जिस फिल्म के निर्देशक थे मनीष शर्मा और यह यश राज वैनर की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर कयास ऐसे लगाए गए कि यह 2023 की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक मानी जाएगी जिन फिल्मों का शानदार कलेक्शन रहा, लेकिन यह फिल्म अपना बजट निकालते निकालते रह गई। इस बारे में कई सारी अफवाहें भी आई, जहां पर यह भी बताया गया कि यह फिल्म रिलीज के साथ ही फ्लॉप करार दी जा चुकी थी, लेकिन सब पर अब पहली बार कैटरीना कैफ को सफाई देने की जरूरत पड़ी। आइए चले जानते हैं कि टाइगर 3 को लेकर कैटरीना कैफ ने कौन सी सफाई दे डाली है। मौजूदा समय में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म मैरी क्रिसमस को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है, जिसका अभी हाल ही में ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। और अभी हाल ही में फिल्म के सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ कि कैटरीना कैफ को उनकी रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 के बारे में बातचीत करने की जरूरत पड़ गई। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की आने वाली फिल्म मैरी क्रिसमस का ट्रेलर रिलीज हो गया और अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैटरीना कैफ ने टाइगर 3 से जुड़े अपने अनुभव को शेयर किया। दरअसल होता यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने कैटरीना कैफ से पूछा कि इस फिल्म में एक चैलेंजिंग किरदार निभाने का आपका अनुभव कैसा रहा, खासकर तब जब आप आमतौर पर महज ग्लैमर डालकर या जिस तरह से टाइगर 3 में आपका किरदार था उस तरह के किरदार निभाती आई हो। पत्रकार का यह सवाल सुनकर कैटरीना कैफ भी कुछ समय के लिए दंग रह गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए इस पत्रकार को करारा जवाब दिया। कैटरीना कैफ का इस पर कहना था कि मैं चीजों को थोड़ा अलग तरह से देखती हूँ। मेरा मानना है कि जोया मेरे किए हुए किरदारों में से एक मजबूत किरदार रहा है। खासकर टाइगर 3 में जोया के किरदार पर खूब मेहनत की गई थी और इसे दर्शकों के सामने बड़ी खूबसूरती तरीके से पेश भी किया गया था। जोया को मनीष शर्मा ने बखूबी तरीके से लिखा भी था और मैंने भी जोया को कैमरे के सामने परफॉर्म करते हुए बहुत इंजॉय भी किया। रही बात टाइगर 3 की, तो वो दुनिया और वो फिल्म और मेरा किरदार पूरी तरीके से अलग है और उसे देखने वाली एक अलग ऑडियंस है। मैरी क्रिसमस की दुनिया टाइगर 3 से पूरी तरीके से अलग है। बेल जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन टाइगर 3 के फ्लॉप होने के बाद कई सारी बातें सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया कि अब सलमान खान का करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीते कई सालों से लगातार सलमान खान की फिल्में ऑन द मूव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले पर गिर रही हैं। सलमान खान कैटरीना कैफ के अलावा इस फिल्म में मेन विलन के किरदार में इमरान हाशमी ने कमान संभाली थी, तो वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान का इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस भी रखा गया था।